स्वागत है मेरे YouTube चैनल जुनैद ब्लॉग में, और आज की हमारी जर्नी है परतूर से जालना के दरमियान में। और इसमें हम देखेंगे परतूर से जालना के दरमियान में फाउंडेशन का काम कहां तक हुआ है और पोल्स लगाए गए या नहीं लगाए गए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। फाइनली हमारी ट्रेन परतूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्च हो चुकी है, और जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं वो ट्रेन है 17649 हैदराबाद औरंगाबाद स्पेशल एक्सप्रेस। परतूर रेलवे स्टेशन से डिपार्च होने के बाद हमारी ट्रेन अब रंजनी रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। तो उस वक्त हमने देखा कि परतूर और रंजनी के दरमियान में तकरीबन जो है तो फाउंडेशन का काम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पोल्स लगाए नहीं गए हैं। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन रंजनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में इंटर होने वाली है, और जिस वक्त हमारी ट्रेन इंटर हो रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि रंजनी रेलवे स्टेशन के बाहर रंजनी रेलवे स्टेशन के जो बोर्ड लिखा हुआ है वहां पर हमें एक पोल लगा हुआ नज़र आया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक पोल लगाया हुआ है रंजनी रेलवे स्टेशन में, और आगे भी देखते हैं हम कितने पोल्स लगाए गए हैं और नहीं लगाए गए हैं। फाइनली हमारी ट्रेन को रंजनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से भी डिपार्च का सिग्नल मिल चुका है। जैसे ही हमारी ट्रेन कोड़ी आउटर की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ पर हमें भी दो पोल लगे हुए नज़र आए हैं, लेकिन इस वीडियो में उसको मैंने कैप्चर नहीं किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही हमारी ट्रेन ने रंजनी रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया और रंजनी रिवर को क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे पोल्स लगे हुए नज़र आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इन पोल्स को अभी तक सेट नहीं किया गया है, सिर्फ इन पोल्स को लगाया गया है फाउंडेशन के अंदर। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन कोड़ी रेलवे स्टेशन के मेन लाइन में इंटर होने वाली है, और जैसे ही हमारी ट्रेन मेन लाइन में इंटर हो रही थी तो उस वक्त हमने देखा कोड़ी रेलवे स्टेशन पे हमें भी फाउंडेशन का काम नज़र आया है, लेकिन यहाँ पर एक भी पोल अभी तक लगाया नहीं गया है और तकरीबन यहाँ पर फाउंडेशन का काम हो चुका है, और हमारी ट्रेन का यहाँ पर क्रॉसिंग होगा नांदेड़ मनमाड़ पैसेंजर के साथ में।
फाइनली हमारी ट्रेन कोड़ी रेलवे स्टेशन के मेन लाइन में इंटर हो चुकी है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको कहीं पर भी जो है तो फाउंडेशन के अलावा पोल्स लगाए हुए नज़र नहीं आएंगे। फाइनली मनमाड़ नांदेड़ पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर एक में इंटर हो चुकी है कोड़ी रेलवे स्टेशन के, और हमारी ट्रेन कोड़ी रेलवे स्टेशन के मेन लाइन में खड़ी हुई है। फाइनली हमारी ट्रेन को भी डिपार्च का सिग्नल मिल चुका है और मनमाड़ नांदेड़ पैसेंजर को भी डिपार्च का सिग्नल मिल चुका है कोड़ी रेलवे स्टेशन से। कोड़ी रेलवे स्टेशन से डिपार्च होने के बाद हमारी ट्रेन सारवाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, तो हमने देखा कोड़ी और सारवाड़ी के दरमियान में भी पोल्स लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पोल्स सेट नहीं किए गए हैं। तो मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोज़ बनाने का। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन सारवाड़ी रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। फाइनली हमारी ट्रेन सारवाड़ी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो जिस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही थी तो आप लोग देख सकते हैं सारवाड़ी रेलवे स्टेशन में भी पोल्स लगा दिए गए हैं, लेकिन इन पोल्स को अभी तक सेट नहीं किया गया है, सिर्फ इन पोल्स को जो है तो फाउंडेशन में लगा दिया गया है। इस वक्त हमारी ट्रेन जालना और सारवाड़ी के दरमियान में चल रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ पोल्स सेट किए गए हैं और कुछ पोल्स जो है तो लगा दिए गए हैं फाउंडेशन के अंदर। जैसे कि देख सकते हैं ये पोल्स लगा दिया गया है और इसको सेट भी किया गया है, मतलब बहुत सारे जो है तो पोल्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और कुछ पोल्स लगा कर सेट किए गए हैं और कुछ पोल्स जो है तो सेट नहीं किए गए हैं। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन जालना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक में इंटर होने वाली है, और जिस वक्त हमारी ट्रेन इंटर हो रही थी उस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे पोल्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और पोल्स सेट भी किए गए हैं और बड़े भी पोल्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और वायरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3।
तो ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।